बिया ये भी रख ले बेटा। अम्मी इतने सारे स्वेटर्स हैं तो अब ये जैकेट। अरे सुना है वहाँ बड़ी सर्दी होती है, अच्छा है, काम आएगी। मुझे नहीं जाना। बेटा उदास तो मैं भी बहुत हूँ लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। आप लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, जानबूझ के अमेरिका वाला रिश्ता कबूल कर लिया। तुम्हें ही तो शौक था बाहर जाके पढ़ने का। मुझे नहीं, आपको शौक था कि मैं आला तालीम हासिल करूं, इसीलिए आपने मेरी वहां शादी कर दी। ओहो तो खैर है, तुम बता दो अगर तुम्हें साथ पसंद नहीं है तो। मैंने ये कब कहा? तो इसका मतलब है कि तुम्हें पसंद है वो? अरे क्यों तंग कर रहे हो उसे? छोड़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको रहना पड़ेगा ना अम्मी अब्बा के बगैर, तो आपको पता चलेगा। देखो थोड़े दिनों की तो बात है। थोड़े दिन नहीं है ना, मुझे तो पूरी जिंदगी वहां रहना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, मैं तो अम्मी अब्बा को वहीं बुला लूंगी। अच्छा चलो देखो एक काम करते हैं कि 6 महीने अम्मी अब्बा मेरे पास और 6 महीने तुम्हारे पास। अम्मी मुझसे वादा करें कि आप वहां जाएंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा देखते हैं ना, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? अम्मी नीचे बैठे हैं वो साथ के साथ। अच्छा मैं जरा देखती हूँ। वादा करें मुझसे। क्या वादा लेने का कोई फायदा नहीं है मुझसे, अपनी दोस्त को जल्दी से फोन करो, उसे खुदा हाफिज कर लो। तुम्हारी शादी भी मेरी वजह से आई नहीं थी। किया था मैंने फोन, उठाया ही नहीं उसने। उसको तुमने बताया था कि तुम जा रही हो? बताया था, कहने लगी हम लोग तो उसकी जिंदगी से बहुत पहले ही जा चुके हैं, भाई अब आप भी शादी कर लें, अब तो आप इतना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कहाँ कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत कुछ अच्छा करना है। सच्चा है। थैंक यू। बासरूप बैठो। क्या हुआ, कुछ पता चला? जी सर, उन्होंने दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। कितनी बार? तकरीबन रोजाना खेलते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा पैसे भी वही लगाते हैं। वो कैसे हैं? पता नहीं सर, वो तो घर से ही नहीं निकलती। अस्पताल तो जाती होगी ना वो, टीपू को स्कूल छोड़ने जाती है वो भी नहीं। जी सर। तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं पता और वो घर बैठी रहती है? करते हो पर आप मुझे ये बताएं कि उनके शौहर का क्या करना है? दिल तो करता है कि फिलहाल कुछ नहीं करना उसका, बस तुम ये पता करवाओ कि वो इतने पैसे लाता कहां से है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं कर लूंगा। सॉरी सर। देखो जमील, मैं हर मामले में केयरलेसनेस बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन इस मामले में नहीं। जी सर। बेटा ये पैसे का नशा बहुत बुरा होता है, इंसान को अपनों से दूर कर देता है और ऐसे लोगों के करीब कर देता है जो जिंदगी में कभी हमारे हो ही नहीं सकते। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं इस नशे की लत नहीं लगाऊंगा अपने आप को, डोंट वरी। तो फिर इतना काम क्यों करते हो, वक्त पे घर क्यों नहीं आ जाते? नहीं, काम इतना होता है लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे आऊं। जानते हो आजकल तुम्हारे अब्बा जाने की बातें कर रहे हैं, उनका दिल नहीं लग रहा। आपका तो लग रहा है ना। बेटा उस एक छोटे से शहर में हमारी बड़ी सी दुनिया आबाद थी और इस बड़े से शहर में हम बिल्कुल अकेले हो गए। या तो तुम शादी कर लो। शादी कर लो? देखिए दो लोगों का अकेलापन खत्म करने के लिए मैं 3 लोगों को अकेला नहीं कर सकता अम्मी, और ऐसे भी शादी अकेलेपन का इलाज नहीं होता। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है। हाँ ना। खैर अम्मी आप कुछ दिनों के लिए अमेरिका क्यों नहीं चले जाते हैं? पीछा छुड़ाना चाह रहे हो? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, आपके और अब्बा के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में?
और वो जो एक है ना जो अमेरिका में बैठी हुई है, वो रोज मुझे फोन कर करके तंग करती है कि अम्मी और अब्बा को अमेरिका भेजो, तो मैं क्या करूँ? इसलिए कह रहा हूँ, मैं अगर चली गई ना तो तुम 24 घंटे घर ही नहीं आओगे, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया है। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आऊंगा, खाना भी वक्त पे खाऊंगा, पानी भी वक्त पे पीऊंगा, सब कुछ वक्त पे करूंगा। बस खुश, अब जाओ। मैं जाओ, अल्लाह हाफिज़। खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह सर, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ये प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी ना तो कल पैकिंग शुरू करवा दूंगा। अरे नदीम, घर में सब ठीक ठाक है? तुम बीमार थे, अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? चलो जबरदस्त। मुझे बताओ कि वो मुनीर पहुंचा बॉयलर पे? नहीं सर, मैं फोन कर रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? बॉयलर पे जा रहा हूँ, किसी ने तो मुनीर का काम करना है। सर आप हर काम ऐसे इस मोड़ पे साथ छोड़ा मेरा। जब यकीन था कि मंजर बदल जाएंगे, तुम चले जाओ दामन छुड़ा के, देखना हम भी जहां से गुजर जाएंगे। देखेंगे मुड़ के तेरी राह गुजर, फिर भले राह तकते रहो, जाने दो, क्यों ना रोका करो। ये याद रख कि तूने 25% मुझे देनी है, ठीक है? Don't forget that। दे दूंगा मैं, कोई लेके भाग नहीं रहा। जिस तरह से तुम खेल रहे हो ना, you got to learn to stay within your limits। अच्छा, इतना खुल के खेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जस्ट रिलैक्स मैन। घर नहीं गए अभी तक तुम? नहीं। आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मुझे लगा आपको मेरी जरूरत ना हो गई। ठीक है, 1 बज गया रात का, आपको घर जाना चाहिए फौरन। ठीक है, आपके लिए मैं कोई खाना मंगवा दूं? आपको भूख लगी होगी। अगर मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए होगा तो मैं खुद फोन करके मंगा लूंगा, सारे नंबर हैं मेरे पास। लेकिन अब प्लीज आप घर जाइए और आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। ओके। एक मिनट जी, जाएंगे कैसे आप? पता नहीं, मैं वो चलो। आप जाएंगे मुझे छोड़ने? जाहिरी बात, इस वक्त इतनी लेट आपको कौन छोड़ने जाएगा? अब जाएं आप, मैं आता हूं। ओके। नेक्स्ट टाइम जागने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारी चीजें बहुत स्टूपिड लगती हैं। तो मैं खाना खिलाने के लिए तो जागना होगा ना मिकाई? मैं भूखा नहीं रहता, बहुत सारे रेस्टोरेंट से बाहर, और मेरा नाइट सूट फिर से गायब हो गया। तुम हुक से क्यों हटाती हो यार, मुझे बात समझ नहीं आती तुम्हारी। तुम ऐसा करो, अपनी मदर के यहां चली जाओ, आई थिंक बहुत हो गया। मम्मी ने कहा कि यही रहो। मम्मी? तुम मम्मी को कब से मम्मी कहना शुरू हो गई हो? पिछले साल से। Ridiculous। कितना शौक है ना तुम्हें नंबर टांगने का। Anyways, तुम ऐसा करना, तुम दूसरे कमरे में जाके सो जाना, तुम्हारी वजह से रात को मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। और हाँ, मम्मी डैडी को ना बताना कि मैंने तुम्हें कहा।
प्रेग्नेंट होकर लड़कियां कितनी हेडियस लगती हैं। अगर तुमने किसी को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने फिर से खेलना शुरू कर दिया। तुम्हारा एक बच्चा है, दूसरा आने वाला है। मम्मी डैडी तुम्हारे साथ है, तुम अपनी लाइफ में बिजी रहो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों खेल रहे हो दोबारा से मिकाएल? ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही तो है, क्यों जाया कर रहे हो? मेरा पैसा है, चाहे जाया करो, जो मर्जी करो, तुम बीच में नहीं बोलोगी। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी तो कौन रोकेगा? रोक लिया? अब इमेजिन करो कि मैं रुक गया हूं, ठीक है? तुम्हारा काम खत्म, तुम आराम से जाओ, जाके सो जाओ और जो कुछ यहां हुआ है वो सब भूल जाओ। और मनाहिल, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ, बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो गए और तुम्हें नौकरी छोड़ने का कहा तो फिर इसके प्लीज आइंदा ऐसे मत करना। वो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो है ही नहीं। मेरा मतलब है उनकी डेथ हो गई है। I'm so sorry. It's okay. अब तो आदत सी हो गई है। तो क्या तुम अकेली रहती हो? जी, पहले मैं खाला के साथ रहती थी, लेकिन उनकी फैमिली की इमिग्रेशन आ गई इसलिए वो चली गई। चाचा बुलाते रहते हैं लेकिन मेरा दिल नहीं करता वहाँ रहने को। चाची का बर्ताव ठीक नहीं है ना। बस यहीं रुकते हैं। यहीं पे? चलो, अंदर पहुंचते ही मुझे बताना कि तुम सेफली पहुंच गए अंदर। I'm so sorry, sir. मैं कर देती हूँ। It's okay. देखें, घबराएं मत। हो सकता है जितनी आपको इस नौकरी की जरूरत हो उससे ज्यादा मुझे आपकी जरूरत हो। तो इसलिए relax and take it easy. शुरू करें? जी सर। चलें। Oh,
मैंने तुम्हें मना किया था, मना किया था कि नहीं किया था? किसी से कुछ भी नहीं कहोगी तुम, जाके मामा को सारा कुछ बता रही हो? मैं उनसे कुछ नहीं कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है मिकाएल। कमरे से निकलते साथ ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, किसको बेवकूफ बना रही हो? अल्लाह की कसम मिकाएल, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले जाओ। तुम इतनी चलाक हो यार, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। Just get this straight. मैं कसम से सच बोल रही हूँ मिकाएल, मुझे बहुत दर्द हो रहा। बहुत खुशी हुई है जानकर, I wish कि तुम्हें दर्द होता, ताकि तुम्हें एहसास होता कि जब किसी को दर्द होता है तो कैसा महसूस होता है। अब एक्टिंग बंद करो, बंद और चुप कर जाओ। मुझे खुदा के लिए मुझे चुप। सबा कैसा है? कमल साथ, नीलम जमील, मदिया शाहरुख, हेलो। हाँ, तुम्हें यकीन है कि उसकी आज की अपॉइंटमेंट थी? जी जी सर, आज 10 बजे का। क्या वो पहुंची नहीं अभी तक? मैं तुम्हें फोन क्यों कर रहा हूँ अगर पहुंची हुई यहाँ पर तो? सॉरी सर। मालूम करो वो अभी तक आई क्यों नहीं यहाँ पर। सर मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, और मैं तो वैसे भी ऑफिस जा रहा हूँ सर। भाई मुझे क्या पता, किसी भी तरीके से पता करो यार, मुझे मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। हाँ सर, लेकिन ये तो कोई घर वाले ही बता सकता है ना। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये नहीं हो सकता? नहीं सर, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा। मैं करता हूँ कुछ सर। चलो जमील साहब, अपने बॉस के लिए अब नया रूप धार लो। आज 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, टीपो के लिए भी नहीं उठी, इस तरह तो कभी नहीं सोती हूँ। हाँ, वो दरअसल रात को बहुत लेट सोई थी तो इसलिए सोई भी होगी, सोए रहने दे। मैं देख कर आती हूँ। मामा मैं तो कह रहा हूँ, रुको। क्या जरूरत है? वैसे वो बेचारी थकी हुई है तो, और क्या है? मुझे किसी को मिलवाना है जी आपसे। कौन है ये? ये मेरा भाई है जी, गांव से आया है। यहाँ क्यों लेकर आया? भाजी मेरी घरवाले की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए, जब तक ये काम करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नहीं भाई, हम इस तरह किसी को नहीं रखते। और ये अचानक तुम्हारी बीवी को क्या हो गया है? अच्छा मामा मैं जा रहा हूँ, ठीक है? सुनो जल्दी वापस आना, तुम्हारे डैडी भी यहाँ नहीं है। हाँ ठीक है। बेगम साहबा, 2 ही दिन की तो बात है। बेगम साहबा वो अगर आप चाहें तो मेरा शनाख्ती कार्ड रख लें, बल्कि मैं टेलीफोन नंबर दे देता हूँ जहाँ मैं काम करता था, आप तस्दीक कर लें। तुम कब वापस आओगे? मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ये काम बहुत अच्छा करता है जी। अच्छा पागल था मैं भी,
दवा इधर ही भूल के जा रहा था। जी सर, वो तो अभी तक सो रही हैं। अभी तक सो रही हैं? कभी जिंदगी में इतनी देर तक नहीं सोई, कोई मसला है? जाकर चेक करो। सर ये मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ? मैं भी तुम उसके घर में मौजूद हूँ, इतनी सी बात मालूम नहीं कर सकते? ऐसा करो ना कि उसके लिए बनवा के कुछ भेजो। बाजी, बाजी, बाजी आप उठे, मैं आपके लिए ना नाश्ता लेकर आई हूँ। बाजी, बाजी जी, या अल्लाह, ये बाजी को क्या हो गया? बेगम साहबा, बेगम साहबा। हाँ पहुंचो जल्दी यहाँ पे, मैं सारे अरेंजमेंट्स करा रहा हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। सर डॉक्टर साहबा को बुला लीजिएगा, स्ट्रेचर मंगवा लें प्लीज़। एक पेशेंट है, 5 मिनट में बस यहाँ पे पहुँच रही है। और अब अगर कोई पेमेंट हो तो ये आप प्लीज़ सब इस कार्ड से कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हेलो, हेलो जी, मैं ऑफिस से बात कर रही हूँ। सलाहुद्दीन साहब घर पे हैं? सुबह के निकले हुए, लेकिन ऑफिस तो नहीं आए वो। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों, क्या मतलब? आपको पता होना चाहिए ना आप किस किस्म के ड्राइवर हैं। हम नहीं उनका ख्याल रखेंगे तो उनका और है ही कौन यहाँ पे। सब अंडर कंट्रोल है? जी हाँ, ऑपरेशन हो रहा है बस। और उसका शौहर है? जी नहीं, उन्होंने पैगाम भिजवाया है कि बहुत मसरूफ है, शाम को आएंगे। एक बात तो बताएं, वो लगती क्या है आपकी? सब कुछ। मुनीर आया ऑफिस में? जी हाँ आ गया, तो मैं भी जाऊं अब? नहीं, तुम नहीं रुकोगे। सर यहाँ कैसे रुक सकता हूँ, रात को क्लाइंट के साथ डिनर है ना आपका। तुमने मना नहीं किया? सर आपने मुझे कहा ही नहीं तो मैं कैसे कैंसिल करता। इतनी बड़ी इमरजेंसी है, मुझे कैसे याद रह सकता है यार। सर बहुत बुरी बात हो जाएगी। से कहो मैं हॉस्पिटल में हूं, मर रहा हूं, कैसे जा सकता हूं मैं डिनर पे यार। अगर डील कैंसिल करनी पड़ती तो कर दो और बैठो जाके उनके पास। बाहर जाकर तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन वो बार बार हॉस्पिटल वालों से पूछ रहे हैं कि बिल किसने दिया, अगर किसी ने बता दिया तो फिर। नहीं बताएंगे, फिक्र मत करो। आपके लिए कुछ लाऊं, चाय कॉफी या जूस वगैरह? ये बाबा ठीक हो अब? हाँ जी, मैं जल्दी आऊंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। मुझे तो लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया। मैं अकेले तो ये नहीं संभाल सकती थी सब कुछ। पता नहीं वो फरिश्ता कौन था, अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन फरिश्ता? हमारे अस्पताल पहुंचने से पहले सब कुछ रेडी था, ऑपरेशन थिएटर तक, और तुम्हारी डॉक्टर भी यहाँ मौजूद थी।
जबकि वो आज यहाँ नहीं कहीं और बैठती है। मिकाएल कहाँ है? हाँ, मिकाएल ने ही फोन किया होगा, वो खुद नहीं आ पाया ना, तो सारे इंतजाम उसी ने किए होंगे। और पैसे? हाँ जाहिर है उसी ने किया होगा ना, तुम्हारी फैमिली का तो यहाँ कोई है नहीं जो ऐसा कर सके। मेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। मिकाएल के अलावा और कर भी कौन सकता था, बहुत जिम्मेदार बच्चा है। वैसे कुछ रोज से मैं महसूस कर रही हूँ उसमें बहुत तब्दीली आ गई है, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, देखना बस आता ही होगा अभी। ऐसे धरना है मैं जरा डॉक्टर के पास होकर आती हूँ, तुम्हारे खाने के बारे में पूछ लूँ कुछ। जी डॉक्टर साहब। तो मतलब आप पूरी तरह मुतमईन हैं ना? अच्छा, और खाने के लिए ठीक जी। इसके अलावा कोई अगर स्पेशल कोई ताकीद? अच्छा जी, होल्ड कीजिएगा। हेलो, कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में। मुझे पता था आपके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, मैंने मना करवाया था ना आपको, किससे पूछकर क्यों किया था आपने? मेरी बात कान खोल के सुनने आप, जो हुआ सो हो गया, लेकिन आप मुझे भूल जाएं जैसे मैं आपको भूल गई हूँ। आपके लिए मैं मर गई हूँ और आप मेरे लिए मर गए, समझ आइए। तुम ठीक हो? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे लिए जो करेगा मेरा शौहर करेगा, आपको रत्ती बराबर भी हक नहीं है मेरे लिए कुछ भी करने का, आई समझ? आवाज से तो लग रहा है कि तुम ठीक हो, अब ज्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है। खुदा। हेलो। हाँ जमील, वो डिनर तो कैंसिल नहीं किया तुमने? नहीं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम उन्हीं लोगों के साथ रहना वहाँ पर, और डॉक्टर ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं। वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, वो उसकी सास को समझा देना। यार अब मैं सास को क्या समझाऊं? हेलो। हाँ मैं भी वापस आया हूँ, मैंने तुम्हारी कोई 50 मिस कॉल्स देखी हैं, खैरियत है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है? वो आज आप ऑफिस नहीं आए इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मुझे कोई काम था इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन इससे परेशान होने वाली कौन सी बात है, तो मैंने काम की लिस्ट तो भेजी थी ना? जी, पर मुझसे काम नहीं हुआ। क्यों? ऑफिस में कोई था ही नहीं। क्या मतलब, बाकी सब कहाँ थे ऑफिस में? नहीं वो सब तो थे, लेकिन आप नहीं थे ना, और जमील साहब भी नहीं थे। हाँ ना, तो जमील भी मेरे साथ था ना, हम दोनों को काम था, मसला क्या है मुझे बताओ। वो मुझे पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं, मुझे लगा कहीं आपको ना कुछ हो गया हो। जीना अगर मुझे कुछ होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा, प्रॉमिस। ओके। और इन फजूल बातों पे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है जीना। देखो ना, तुम्हारी वजह से कल मेरे इतने इंपॉर्टेंट लेटर्स डिलीवर नहीं हो पाएंगे। एनीवेज क्या हो सकता है?
पागल हो गई है ये, सारी ईमेल इस वक्त क्यों कर रही है? हेलो। अरे मैंने ये थोड़ी कहा था कि सारे ईमेल मुझे अभी रात को कर दो। आप जाग रहे हैं अभी? नहीं, कबड्डी खेल रहा था, जाहिर बात है सो रहा था मैं। ओ आई एम सॉरी, मैं समझी आप फोन ऑफ करके सोते होंगे। जीना आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन यूएस में रहते हैं। हाँ तो मैं फोन कैसे बंद कर सकता हूँ? तो फिर वो आपको किसी भी वक्त फोन कर लेते हैं। जीना मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मेरी नहीं जीना, आप अपनी भी नींद बिला वजह खराब कर रही हैं। आप सो जाएं प्लीज। कोशिश करती हूँ। देखें, काम से ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि आपकी नींद पूरी हो। क्यों? ताकि बीमार ना हो आप। मेरे बीमार होने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी ना। बात छुट्टी की नहीं, अगर आप बीमार होंगे तो ईमानदारी भी तो मुझे करनी पड़ेगी ना। जमील तो वैसे इतना बिजी होता है। स्टी प्लीज सो जाइए। ओ माय गॉड, मुझे आदमी क्यों इतना पसंद है? इतने आराम से इसने कह दिया सो जाओ, मैं कैसे सो सकती हूँ? अल्लाह मियां प्लीज प्लीज, अल्लाह मियां मुझे बहुत बीमार करते हो और बहुत लंबे अरसे के लिए, प्लीज अल्लाह मियां प्लीज। बाजी वो साहब के कपड़े इस्त्री कर दिए, अगर आप कहें तो उनके कमरे में रख दूं? नहीं, मुझे इनके काम खुद करना अच्छा लगता है। बाजी वो अगर आप कहें तो ये बच्चे की देखभाल के लिए किसी औरत का बंदोबस्त कर लेते हैं। मुझे मसरूफ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छी बात है, काम आप ही कीजिएगा, वो तो आपकी मदद करेंगी, फिर आपको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपने लिए। तो फिर ये रख दूं कपड़े? मुझे दे दो, तुम जाओ। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कोई हेल्पर लाना चाह रहा था, मैंने मना कर दिया। तुम भी बहुत जिद्दी हो, मुझे तो ये भला आदमी मालूम होता है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि शब्बीर वापस आ गया तो ये चला जाएगा। वैसे वो 2-3 दिन के लिए गया था ना, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आया। फोन करके पता करूंगी। बोलो। अच्छा, हाँ पागल है वो। अरे नहीं नहीं, बच्चों के पीछे लगी रहेगी तो मसरूफ रहेगी, अगर फारिग रहेगी तो पागल हो जाएगी वो यार। खैर अच्छी तो है ना वो? बहुत अच्छी है सर। पता है मुझे। सर वो बेगम साहिबा कह रही थी कि शब्बीर को फोन करेंगी, कहीं वो कुछ कह ना दे। कुछ नहीं कहेगा वो यार, बहुत खुश है यहाँ पर। आप ख्याल ही इतना रखते हैं, कैसे खुश नहीं होगा? गुस्सा भी तो करता हूँ मैं। हाँ लेकिन सिर्फ एक बात पर। अच्छा चलो अपना काम करो तुम, एंड बी वेरी केयरफुल। आई विल बी सर। आई विल बी, बड़ी तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी हो गई है। हाँ मेहनत कर रहे हो। जी सर। अच्छा चलो खुदा हाफिज। ले लो, गुड बॉय। इधर तो आओ टिकू, कहाँ जा रहे हो बेटा? बेटा बी केयरफुल। मामा ये सब क्या हो रहा है? मिनाहिल कहाँ है? वो किचन में गई है दूध लेने के लिए। मामा कोई नैनी मेड किसी को हायर कर ले इनके लिए। क्यों? मैं इतने छोटे बच्चे मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने बच्चों को मिलने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं गए। क्या हो गया है?
आप लोग सब हैं ना इसका ध्यान रखने के लिए, तो रखें, मेरी क्या जरूरत है? तुम ध्यान नहीं रखते इसीलिए हमें रखना पड़ता है। ओहो क्या हो गया, अब हॉस्पिटल की फीस तो दी थी ना इसने। कौन सी फीस? जब मिनाहिल के हॉस्पिटल के चार्जेस तुम नहीं दिए थे ना? हाँ 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 मैंने ही दिए थे। मामा एक काम करें, मिनाहिल को कुछ महीनों के लिए बच्चों समेत इसकी मदर के यहाँ भेज दें, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मिलके पाल लेंगे इन लोगों को। वो लोग हज पर गए सारे? मिकाएल मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मामा मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, रात को फिर से काम पे जाना है। सुनो तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है मामा, मुझे 2 घंटे के बाद उठा दीजिएगा। कैसा बिजनेस है इसका जो रात के 2 बजे से जाना पड़ता है? आज मैं भी जाऊंगा इसके साथ। दादी कॉल सेंटर में काम करते हैं ना, तो फिर रात में जाना पड़ता है। कॉल सेंटर? जी वही जो लंदन अमेरिका वाला होता है। बेटा फिर तो इसको उनके टाइम के मुताबिक अपने ऑफिस के टाइमिंग्स रखने होंगे। जी मम्मी बिल्कुल, मम्मी मुझे लगता है इसके पेट में दर्द हो रही है, मैं ना लेकर आती हूँ, इसको 2 मिनट संभाल। ठीक है तुम जाओ। तुम पूछोगे नहीं हॉस्पिटल का बिल किसने दिया था? मामा ने दिया होगा? नहीं। फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया होगा? उन्होंने भी नहीं दिया। फिर किसने दिया? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने ट्यूटर से मिलवाया था? हाँ क्या नाम था उसका? सलाहुद्दीन।